पिछला वीडियो में हमने जाना था HP LaserJet 1005 प्रिंटर की सहायता से फोटोकॉपी करना। यदि आपने उस वीडियो को मिस कर दिए हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिए हैं, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और फोटोकॉपी करना सीख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे HP LaserJet प्रिंटर के सभी बटन्स के प्रयोग। जी हाँ गाइस, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये HP LaserJet 1005 प्रिंटर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को यहाँ पर दिए गए सभी एक एक बटन के प्रयोग को अच्छे डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं स्टार्ट कॉपी बटन का प्रयोग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं कवर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने पहले से एक डॉक्यूमेंट रख दिया है, इसी का फोटोकॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट कॉपी बटन का प्रयोग फोटोकॉपी स्टार्ट करने के लिए होता है। तो चलिए इसको प्रेस करते हैं और आप देखेंगे फोटोकॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए आप दूसरे बटन का प्रयोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट कॉपी ऑप्शन का प्रयोग जान लेने के बाद अब जानते हैं सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड बटन कॉपीज का प्रयोग। तो ये सेकेंड बटन का प्रयोग होता है फोटो कॉपी होने वाली प्रतिलिपि की संख्या को कम ज़्यादा करने के लिए। देखिए अभी यहाँ पर एक है और जैसे हम कॉपी की संख्या को प्लस करना चाहते हैं तो ये आपको राइट एरो की प्रेस करके आप ऐसे फोटो कॉपी की संख्या को प्लस कर सकते हैं। देखिए अभी 5-6 होते जा रहा है और जैसे आपको कम करना है तो आप यहाँ से लेफ्ट एरो की प्रेस करके इसकी संख्या को कम कर सकते हैं और उसके बाद प्रिंट करने के लिए आप डायरेक्ट स्टार्ट कॉपी पर क्लिक करते हैं और जैसे स्टार्ट कॉपी पर क्लिक करते हैं तो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पर कैंसिल बटन दबा के प्रिंट को कैंसिल कर देता हूँ। तो चलिए अब यहाँ पर जानते हैं थर्ड बटन का प्रयोग। तो यहाँ पर थर्ड बटन दिया गया है लाइट और डार्कर। जी हाँ, तो इस लाइट और डार्कर बटन का प्रयोग होता है प्रिंट होने वाली डेटा को लाइट और डार्क सेट करने के लिए। देखिए जैसे अभी आप जो डेटा प्रिंट कर रहे हो, मान लो ज़्यादा लाइट आ रहा है तो आप इस बटन को ऐसे प्रेस करेंगे और राइट साइड देखेंगे तो यहाँ पर डार्क बिंदु दिखाई दे रहा है और इधर देखते हैं लेफ्ट साइड तो यहाँ पर वाइट विंडो दिखाई दे रहा है। तो इसको आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट एरो की सहायता से आप ऐसे प्रेस करके डार्क और इधर करके आप वाइट को सेट कर सकते हैं, जितना आपको लगता है उतना सेट करिए। उसके बाद यहाँ से कर लेंगे ओके। अब उसके बाद स्टार्ट कॉपी पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप सेट करें उसके अकॉर्डिंग प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए इस बार मैं प्रिंट होने देता हूँ। तो अभी मैंने लाइट कर दिया था तो अभी का जो प्रिंट हुआ है देखिए और पहले के जो प्रिंट हुआ है इसको देखिए, पहले डार्क था और अभी क्या है, थोड़ा लाइट है। तो इस प्रकार से आप लाइट और डार्कर ऑप्शन का प्रयोग करके लाइट और डार्क सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब गाइस जानते हैं कैंसिल बटन का प्रयोग। तो कैंसिल बटन का प्रयोग होता है गाइस हमारे द्वारा दिए गए प्रिंट कमांड को कैंसिल करने के लिए। जी हाँ, इस बटन का प्रयोग उस कंडीशन में आप करेंगे जब मान लो आपका कस्टमर कहता है कि 10 कॉपी करना है भैया ऐसे करके, अब आपका 5 कॉपी निकल गया है और उसी बीच कहता है कस्टमर के भैया बस 5 ही करिए, 5 को कैंसिल कर दीजिए। तो उस कंडीशन पर आप कैंसिल बटन दबा के प्रिंट कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ये एरो बटन के बीच में दिया गया ओके बटन मेन्यू भी है। इस बटन का प्रयोग दो चीज़ के लिए होता है, एक तो भैया मेन्यू सेलेक्ट करने के लिए और दूसरा होता है सेटिंग को ओके करने के लिए। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने इसको दो बार ओके को प्रेस किया तो यहाँ पर कॉपी से संबंधित सेटअप का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट क्वालिटी, तो प्रिंट होने वाले डेटा की क्वालिटी को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ओके करा, अब यहाँ पर आप डिफ़ॉल्ट कॉपी में किस चीज़ को प्रिंट करना है, आपको टेस्ट को करना है तो टेस्ट ही रहने देंगे फोटो कॉपी के लिए, और जैसे आपको इमेज वगैरह करना है तो आप ऐसे लेफ्ट एरो की को प्रेस करके आप यहाँ पर देखिए पिक्चर का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पर फिल्म फ़ोटो का आ गया है। तो जो आप फोटो कॉपी करने वाले हैं वो आप यहाँ से क्वालिटी को सेट कर सकते हैं और यहाँ से कर देना है ओके। तो देखेंगे सेट हो जाता है। चलिए इस प्रिंटर पर जानते हैं महत्वपूर्ण मेन्यू सेटिंग का प्रयोग। तो यहाँ पर आप दो बार मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप 3 बार ये लेफ्ट एरो बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए आता है लाइट और डार्क ऑप्शन। तो ये आपके प्रिंटर में सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन होता है क्योंकि ये प्रयोग करने से आपका लाइट और डार्क परमानेंट सेट हो जाता है। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे, उसके बाद आप देखिए लेफ्ट साइड दिखाई दे रहा है वाइट बिंदु और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ब्लैक बिंदु, और ये जो बीच वाला फील वाला बिंदु है उसको आप लेफ्ट एरो बटन प्रेस करके लाइट तरफ ला सकते हैं और राइट बटन प्रेस करके आप इसको डार्क साइड ले जा सकते हैं। तो आप जितना में आपका अच्छा प्रिंट आ रहा है उतना में ओके कर दीजिए, उसके बाद आप प्रिंट करके देखेंगे तो आपका लाइट और डार्क अच्छा से प्रिंट होगा। तो यहाँ पर देखिए जो सेटिंग हमने ओके में मेन्यू में
ऑप्शन मिलता है, वही ऑप्शन हमें यहाँ पर भी रिपीट होता है। देखिए यहाँ पर प्रिंट क्वालिटी को भी आप सेट कर सकते हैं, और आप इस बटन को प्रेस करके देखिए कॉपी की क्वालिटी जो सेटिंग हमने इस ओके बटन मेन्यू से करा है वही सब ऑप्शन हमें मोर कॉपी सेटिंग में प्राप्त होता है। तो आप समझ ही गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप HP लेजर जेट 1005 प्रिंटर के सभी बटन्स के प्रयोग को अच्छे तरीके से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।